सैलरी को लेकर गोविंद पंचे आपसे जानना चाहेंगे, दिक्कत उन लोगों के लिए भी है जिन्हें कैश में ही सैलरी मिलती थी और दूसरी तरफ अगर अकाउंट में क्रेडिट होता है तो फिर विड्रॉ करना, ये समस्या इस वक्त सबसे ज्यादा है। और क्या एक हफ्ते तक, अगले एक हफ्ते तक लगता है कि सैलरी डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा और लोग पहले महीने के शुरुआत में जो तमाम तरह के खर्च होते हैं उसको पूरी भी कर पाएंगे? अभिलाषा, जो मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत उन लोगों के सामने होनी है जिनको नगद वेतन मिलता है। अगर जिन लोगों को सैलरी कैश में मिलती है उन लोगों के लिए उनके जो नियोक्ता हैं उनके सामने भी समस्या होगी कि वो इतना पैसा कैसे अरेंज करें और कैसे अपने लोगों को दें। तो मुझे तो लगता है कि जो कम से कम जिनको नगद वेतन मिल रहा है उन लोगों को तो शायद पूरा वेतन मिल ही ना पाए, जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको पार्ट्स में सैलरी दें। लेकिन जहां तक जो सैलरीड क्लास है उसके लिए मुझे लगता है कि परेशानी तो इस बात की है कि आपको लाइन में लगना है बैंकों में, चाहे आप एटीएम से लें चाहे आप चेक्स या विड्रॉल फॉर्म के जरिए लें, आपको लाइनों में तो लगना ही पड़ेगा। और सीमा भी है कि आप 24,000 से ज़्यादा ले नहीं सकते और महीने की शुरुआत में लोगों को पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि अपने जो घरेलू ज़रूरतें हैं जो एक तरह से बार्टर सिस्टम पे या उधार के जरिए जो काम चल रहा होता है उसका भुगतान करना होता है, घर में काम करने वाले लोग हैं, फीस हैं और बहुत सारे देय हैं, बहुत सारी जो पैसा देना है वो सारी देनदारी महीने की शुरुआत में लोगों को देनी होती है और अगर नकदी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर लोगों को बहुत बड़ी परेशानी इससे होगी। क्योंकि सवाल एक तो सवाल यह है कि पैसा उतना है ही नहीं जितना वेतन के जरिए कुल मिलना है। दूसरा, अगर हम ये मान भी लें कि सारी जो वेतन है आदमी पहली आज के दिन ही पूरा अपने अकाउंट से विड्रॉल नहीं पूरा का पूरा नहीं निकाल लेगा तो भी जो सीमा है वो सीमा इतनी कम है और उस सीमा से किसी का भी काम पूरी तरह से चल नहीं पाएगा। तो निश्चित तौर पर जो ऐसे लोग हैं उनको बार बार कतारों में लगना पड़ेगा, बार बार लाइनों में लगना पड़ेगा और उनकी परेशानी बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।